कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के विरोध में लगातार लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में हल्द्वानी में भी महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और आम जनता सड़क पर उतर आई। कहीं प्रदर्शन, कहीं नारेबाजी तो कहीं कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। प्रदर्शन रैली की शक्ल में रामपुर रोड स्थित मेडिकल कॉलेज से लेकर नैनीताल रोड शहीद पार्क तक पहुंचा। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि वर्किंग प्लेस में महिलाएं, डॉक्टर और महिला स्टाफ के लिए सुरक्षा के लिए सरकार सख्त से सख्त नियम कानून बनाए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द लागू करे। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी प्रदर्शन जारी रहेगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कोलकाता न्यूज को लेके ये सिर्फ एक नर्स या एक डॉक्टर की या एक हेल्थ प्रोफेशनल की बात नहीं है, यहाँ पर बात सभी लड़कियों की है, छोटे से लेके बड़े से लेके ओल्ड एज तक लेके ये सबके साथ हो रहा है। तो इस बार हमें न्याय चाहिए, इस बार नहीं रुकने वाले हैं। प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। डॉक्टर्स बहुत बड़ी चिंता में है, जिस तरीके से आपने देखा वेस्ट बंगाल में जो क्राइम हुआ है, इतना हीनस क्राइम हुआ, ब्रूटली उस बेटी को, उस ट्रेनी डॉक्टर को रेप किया गया, मर्डर किया गया, पूरा देश ही नहीं पूरा हिंदुस्तान और पूरा वर्ल्ड स्तब्ध है ऐसी घटना को देख करके। उसके बावजूद भी जो है उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। आज एक हफ्ते से ऊपर होने को है लेकिन कल्प्रिट अरेस्ट नहीं है, और तो और जो मौके वारदात पे जो सबूत थे उनको पूरी नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस सबसे सारा मेडिकल समुदाय पूरा स्तब्ध है और सभी से अनुरोध करता है, पूरे सरकार से भी अनुरोध करता है कि जल्दी से जल्दी इस मामले में न्याय दिया जाए। नहीं है, बिल्कुल सेफ होनी चाहिए औरतों को, कहीं को भी कहीं जाए कहीं नहीं जाए बिल्कुल अनसेफली फील होते हैं वो। आज की डेट में महिलाएं कहीं सेफ नहीं है, जैसे हमारी डॉक्टर के साथ ही हुआ, वो अभी और किसी और के साथ ना हो, इसीलिए आरोपी को फांसी देनी चाहिए। क्योंकि ये एक डॉक्टर के अलावा एक नारी की घटना है। हम लोगों के यहाँ मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री का हमेशा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी पढ़ाने के बाद अगर ऐसा होता है तो ये बहुत एक गंदी चीज है, और स्पेशली वेस्ट बंगाल में यहाँ माँ काली का बेसिकली उद्गम है, ऐसी जगह और नारी ही मुख्यमंत्री है, ऐसी जगह इस तरह का हो जाता है। और दूसरा बात, ऐसा होने के बाद भी वहाँ पर सब पता होने के बाद भी सीबीआई की एंट्री होने से पहले ही इस तरह की तोड़फोड़ हो रही है सबूत मिटाने की कोशिश के लिए, जो कि बहुत ही गंदा है। जो राज्य सरकार है बंगाल की, वो इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उजागर करे। उस लड़की का जानवरों से भी बुरा हाल किया गया है, उसके दोनों पुलों को शरीर से तोड़ के अलग कर दिया गया है, जानवरों से बुरा हाल किया गया है। वहाँ की राज्य सरकार क्या कर रही है, उसके बाद अगले दिन वहाँ पे डॉक्टरों को मारा पीटा जा रहा है। ऐसे माहौल में ममता जी क्या संदेश देना चाहती है? कोलकाता में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, कल नर्सरी के एक बच्ची का रेप हो रखा है, परसों किसी का हो रखा है, एक ओल्ड एज वुमेन को नहीं छोड़ रहे। तो मतलब हम ये चाहते हैं कि हमें जस्टिस मिले, जस्टिस इन द सेंस की ये नहीं कि हम ये नारे लगा रहे फिर लोग भूल जाए, उसको भूलना नहीं है उस चीज को। हमें चाहिए कि हम जो वुमेन्स है इंडिया की, जो सारी वुमेन्स है, जैसे अदर कंट्रीज में होता है कि वहीं पर रेपिस्ट को वहीं पर मारा जाता है, तो हमें भी यही चाहिए कि इंडिया में भी सारे रेपिस्ट को वैसे ही मारो। ये चाहते हैं कि हमें मिले इंसाफ, क्योंकि बहुत सारे केसेस इंडिया में ऐसे हो चुके हैं, और हाल ही में तो ऐसा हो गया है कि रेप के जो केसेस हैं इतने बढ़ चुके हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इन जो केसेस हैं इनका जल्दी से जल्दी कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाए। जैसे अभी 1 जुलाई से बोला गया है कि जितने भी फैसले होंगे वो 2-3 महीने में हम सॉल्व करके दे देंगे। तो हम चाहते हैं कि अगर ये फैसला 2-3 महीने में नहीं सॉल्व हुआ तो सरकार का कोई मतलब नहीं है इस चीज पे। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार अपना काम करे और जल्दी से जल्दी इनको फांसी दे जाए। हम सबको बहुत मतलब दुख हुआ है जो कलकत्ता वाली घटना पे। हम यहाँ केवल एक मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरह नहीं, महिलाओं के साथ हर जगह वर्क प्लेस में ये होता है। तो मेन चीज तो ये है कि वो ड्यूटी करते समय उनके साथ ये हुआ है, जो कि अपने आप एक बहुत दुखद घटना है। अगर आज हम सब एक होकर नहीं बोलेंगे, केवल मेडिकल नहीं सारे लोगों को इसमें साथ आना चाहिए, आवाज नहीं उठेगी तब तक महिलाओं का अकेले ऐसे कहीं भी काम करना बहुत मुश्किल। बैक टू बैक ये सारे केसेस देखने को आ रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। और हमारे सारे स्टाफ 2400 घंटे दिन रात मरीज की सेवा करते हैं, उनके साथ इतनी निर्ममता के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये पूरी तरह निषेधार है। बोलने के लिए ज्यादा शब्द नहीं है, लेकिन जब तक उसको फांसी नहीं होती हम नहीं रुकेंगे। हाल में जो घटना हुई थी एक हॉस्पिटल में, तो उसका एक प्रोटेस्ट है, इसको ऑर्गेनाइज किया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। तो इन्होंने हमसे एक अपेक्षा की थी
कि पाल कॉलेज के और बिजलाल हॉस्पिटल से बच्चे भी आ जाएं तो अच्छा रहेगा। तो करीब 100-200 बच्चे वहाँ से आए हैं और हम इसका समर्थन करते हैं। ये महिलाओं के जनजीवन से जुड़ा हुआ मामला है, आवानवी मामला है और फास्ट ट्रैक पे इसका ट्रायल हो और जल्दी से जल्दी सजा मिले।